श्री बगलामुखी तंत्रम माँ बगलामुखी पर आधारित एक संपूर्ण ग्रंथ है। माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए एक साधक को जिन मंत्र, साधना एवं प्रयोग विधि की आवश्यकता होती है, उनका उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या हैं। माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र माना जाता है। जिस प्रकार शत्रुओं का संहार करने, उनकी गतिविधियों को रोकने और उनके द्वारा अपने विरुद्ध रचे जाने वाले षड्यंत्र को रोककर उन्हें दंड देने के लिए ब्रह्मास्त्र से श्रेष्ठ कोई अस्त्र नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र विद्या से बड़ी कोई विद्या नहीं है। माँ बगलामुखी की महिमा का उल्लेख वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इंद्र के वज्र का स्तंभन इसी विद्या के द्वारा महर्षि च्यवन ने किया था। आद्य शंकराचार्य ने इसी विद्या के बल पर रेवा नदी का स्तंभन कर दिया था। महामुनि निम्बार्क ने इसी विद्या के आश्रय से एक परिव्राजक को नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन कराए थे। अंगद ने रावण के दरबार में इसी विद्या के बल पर अपना एक पैर जमा लिया था, जिसे कोई भी हिला नहीं पाया था। मेघनाद ने भी इसी विद्या का प्रयोग करके लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भी इसी विद्या के उपासक थे, जो आज भी अमर हैं। भगवती बगलामुखी सृष्टि पूर्व से ही पूजी जाती रही हैं। श्री प्रजापति ने उनकी उपासना वैदिक रीति से की और वे सृष्टि की संरचना में सफल हुए। उनके द्वारा इस विद्या का उपदेश संकादिक मुनियों को दिया गया। सनत कुमार ने इस विद्या का उपदेश नारद जी को तथा नारद जी ने इसका उपदेश संख्यायन नामक परमहंस को दिया, जिन्होंने 36 पटलों में बगला तंत्र जैसे अनुपम ग्रंथ की रचना की। इनके दूसरे उपासक भगवान श्री विष्णु हुए तथा तीसरे उपासक परशुराम हुए, जिन्होंने आचार्य द्रोण को इस विद्या का उपदेश दिया। संस्कृत एवं सरल हिंदी में प्रस्तुत की गई यह पुस्तक श्री बगलामुखी तंत्रम योगेश्वरानंद एवं सुमित गिरधरवाल द्वारा रचित है। इस पुस्तक में 29 अध्याय हैं, जिनमें माँ बगलामुखी का परिचय एवं साधना का विधान, मंत्र और प्रयोग विधि सहित प्रस्तुत किया गया है। इसमें बगलामुखी कवच, बगलामुखी पूजन विधान, मुद्राएं, बगलामुखी स्तोत्र, बगलामुखी हृदय स्तोत्र, श्री बगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, आवरण पूजा, बगला मंत्र उत्कीलन विधान, वशीकरण मंत्र, बगला एकाक्षरी मंत्र विधान, बगलामुखी बीज मंत्र, श्री बगला माला मंत्र, श्री ब्रह्मास्त्र माला मंत्र, भूत शुद्धि प्रक्रिया, दीप दान विधान और श्री बगलामुखी हवन पद्धति का उल्लेख मिलता है। इसके साथ श्री बगलामुखी चालीसा, श्री पीताम्बरा आरती और भगवती बगला के शाबर मंत्रों का भी उल्लेख मिलता है। इससे पहले हमने माँ बगलामुखी साधना पर एक पुस्तक का रिव्यू किया था। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब हमने दोनों पुस्तकों का विस्तार से अध्ययन किया तो ब्रह्मास्त्र विद्या एवं बगलामुखी साधना अधिक उपयोगी लगी। इस पुस्तक में माँ बगलामुखी साधना के विषयों को अधिक विस्तार से दिया गया है। यदि आपने भी दोनों पुस्तकों को पढ़ा है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।